कुछ टाइम पहले ही इनफिनिक्स ने अपना इन्फिनिक्स हॉट टेन निकाला था अब उसका एस वर्जन आ रहा है भाई और इस बार इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा तगड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया है ये है इनफिनिक्स हॉट टेन एस और यह आता है मीडिया टेक G85 प्रोसेसर के साथ में और प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी रखी है इस बार लेट्स सी भाई कैसा फोन है सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो ही वो गाइस बने ज़हीर एंड दिस अनबॉक्सिंग एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस इनफिनिक्स हॉट 10s सो लेट्स बिगिन गाइस ये है बॉक्स Helio G85 सुपीरियर गेमिंग परफॉर्मेंस एक्चुअली मैं जो हिलो जी फाइव मैंने टेस्ट किया है, बहुत ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है और इसमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है मतलब ये 10,000 के आसपास वाला फोन है उसमें 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है जी फाइव प्रोसेसर अगर पीछे की साइड बात करूं तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है लाइक फोर्टी एट मेगा पिक्सल का, का कैमरा 6000 हजार एम एच बैटरी इसमें डार लिंक करके है डार लिंक वाह अच्छा नाम है डार लिंक गेम बूस्ट टेक्नोलॉजी डिस्प्ले एंड इंच प्लस लेट मी क्विकली सील एंड लेट सी भाई इस पे एमआरपी बारह हजार नौ सौ निन्यानवे लिखी हुई है और ये जो है ये फोर सिक्सटी फोर वाला वेरियंट है एंड इट मेड इन इंडिया जैसे आप लोग देख रहे हो सबसे पहले हमको यहाँ पर टॉप पे फोन मिल जाता है थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है ये टेन वोट का अडेप्टर मिलता है देखने को फाइव वोल्ट टू तो एम का बेसिकली अडेप्टर है एंड माइक्रो एस पोर्ट अरे यार अब तो टाइप सी पे स्विच कर दो ये सिम कार्ड निकालने वाला पिन दिया हुआ है इधर पे एक प्लास्टिक केस है हार्ड प्लास्टिक केस प्लास्टिक का स्क्रीन गार्ड भी दिया हुआ है कुछ इस तरह का दिखता है ये फोन जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो जब तक ये ऑन हो रहा है मैं क्विकली आपको इसके बारे में बता देता हूँ पीछे के साइड में हमको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है यहां पर हमको ये एक फिंगरप्रिंट स्कैनर इन का लोगो बॉटम साइड की बात करो तो थ्री पॉइंट फाइव हेडफोन जैक प्राइमरी माइक्रोफोन होल माइक्रो एस पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल इस साइड में बोलू तो भाई यहाँ पर हमको पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर टॉप पे कुछ भी नहीं है और इस साइड की बात करो तो यहाँ पर हमको ये सिम कार्ड लगाने का ट्रे मिल जाता है जिसके अंदर हम दो सिम कार्ड एंड एक माइक्रो एच कार्ड लगा सकते हैं और ये एक सील भी है वाटरप्रूफ की आई I मीन mean, वाटर प्रूफ तो नहीं होगा फोन लेकिन मेरे ख्याल से पानी अंदर ना जाए कभी एक्सीडेंटली इसके लिए उन लोग सील लगा के रखे हैं फ्रंट साइड की बात करो तो यहाँ पर हमको टॉप पे वी नॉच वाला कैमरा मिल जाता है और ईयर पीस कुछ सेंसर्स भी होंगे आई थिंक सो फ्लैश भी होगा क्योंकि यूजली इनफिनिक्स के फोन में फ्लैश आता है फ्रंट में भी और ये सिक्स इंच की डिस्प्ले है लेट मी क्विकली सेट इट अप वाह भाई इसके अंदर नाइनटी हर्ट्ज डिस्प्ले और एक्चुअली मैं काफ़ी सही फील हो रहा है यार एंड्रॉइड 11 पे चल रहा है जी हाँ मार्च का सिक्योरिटी पैच है छह हजार बैटरी एंड सेवन ट्वेंटी का डिस्प्ले एच डी प्लस वाला डिस्प्ले है लेकिन भाई ऑनेस्टली बोलू तो आईपीएस डिस्प्ले में मैंने ऐसा पर्सनली फील किया है आईपीएस डिस्प्ले में ना इतना ज्यादा पिक्सलेशन देखने को नहीं मिलता है इवन नजदीक से देखो तो भी सेवन ट्वेंटी पी डिस्प्ले में जैसे कि आप लोग मैं आपको दिखा देता हूं अगर मैं नजदीक करके भी दिखा दू तो भाई उतना पिक्सलेशन दिखने को नहीं मिलता जितना कोई भी आप एमुलर डिस्प्ले में देखोगे तो मेरे को ये चीज काफी सही लगी यहां पर बाकी कवर लगाने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है जैसे आप लोग देख रहे हो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करूं तो भाई बिल्ड क्वालिटी पूरा प्लास्टिक का ही है साइड बे पीछे का पार्ट सब कुछ प्लास्टिक है और ग्लॉसी प्लास्टिक है लेकिन अलग सा डिजाइन है जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो इतना बुरा भी नहीं लगता लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया पर्सनली बोलू तो एक थोड़ा सा अलग होना चाहिए था Uh, वही सेम काइंड ऑफ डिज़ाइन है खाली अलग 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 पैटर्न बनाते हैं कुछ लोगों को बहुत पसंद आ सकता है मेरे को पर्सनली इतना पसंद नहीं आया लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी मजबूत है भाई कहीं से ऐसा फालतू का क्रीकिंग फ्रीकिंग मेरे को नहीं देखने को मिल रहा है काफी सॉलिड बनाया हुआ है फोन भाई तो मेरे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम लग रहा नहीं है भाई दो ग्राम के तो ऊपर ही है ये तो पक्की बात है लेकिन वेट बैलेंस बहुत अच्छे से किया आई मीन छः हज़ार की बैटरी है उसके बाद इतना मोटा फोन होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई मेरे को सही लग रहा है काफी बाकी जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो थोड़ा सा ऊपर है लाइक मैं अगर ऐसा पकड़ता तो हूँ फोन तो इधर पे मेरा हाथ जाता है और इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर इधर है तो मेरे को फोन को ऐसा पकड़ना पड़ेगा तो इधर पे कंफर्टेबली हाथ जाएगा और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करो तो भाई कुछ ज्यादा ही क्विक है जैसे कि आप देख रहे हो ये टैप करो ये देखो लॉक क्या टैप क्या ओपन टैप क्या ओपन भाई बहुत ही ज्यादा क्विक है बहुत ही ज्यादा क्विक तो ये काफी अच्छा है इवन फेस अनलॉक जैसे आप लोग देख रहे हो ये भी काफी ज्यादा क्विक है अब बिल्ड क्वालिटी के बाद अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले भाई ये फोन सिर्फ दस हजार रुपए का है एंड इसके अंदर हमको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है तो भाई डिस्प्ले के हिसाब से मतलब ये प्राइस में 90 हट डिस्प्ले मिलना बड़ी बात है और एक्चुअली में जी एटी फाइव काफी पावरफुल चिपसेट है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 90 हर्ट्ज को कीप अप कर पा रहा है तो काफी अच्छे से काफी मस्त से स्मूथली चल रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हो मतलब ऐसा डे टू में ये फुल ब्राइटनेस है आप लोग जैसे देख रहे हो डिस्प्ले की ब्राइटनेस उतनी ज्यादा है नहीं इसके वजह से इसके अंदर एच डी आर सपोर्ट भी नहीं है लेकिन सिक्सटी एफ पी एस का सपोर्ट हमको यहां पर देखने को मिल जाता है और ये टेन एटी टू सिक्सटी एफ पी एस वीडियो है गाइस एवरेज से व्यूइंग एंगल्स भी है लेकिन जो ओवरऑल डिस्प्ले मेरे को लगा वो काफी सही है मतलब ये प्राइस के हिसाब से इट इज वेरी गुड बात करूं स्पीकर की तो ये छोटा सा सैंपल है गाइज इसके अंदर बॉटम फायरिंग स्पीकर है काफी बिलो एवरेज स्पीकर है मेरे को स्पीकर्स में उतना मजा नहीं आया इसके अंदर फाइव जी का वाईफाई भी सपोर्ट करता है दैट्स गुड इसके अंदर हमको प्रोसेसर देखने को मिलता चार जीबी रैम है एंड सिक्स जीबी इंटरनल स्टोरेज है डे टू डे टास्क में तो भाई एकदम धमाकेदार चलता है जैसे कि आप लोग देख रहे हो कोई भी ओपन करना हो एप्लीकेशन वगैरह क्लोज करना हो एकदम फटाफट होता है भाई और एज एक्सपेक्टेड भाई नाइनटी हाउट होने की वजह से सोने, सोने पर सुहागा हो जाता है बहुत सही लगा मेरे को ये जो फोन है इसका एक्सपीरियंस ओवरऑल अभी ना मैं गेमिंग की बात करूं तो भाई इसके अंदर GT5 मैंने बता ही दिया तो मैंने कुछ बेंच वगैरह भी किए हैं एन टू में दो लाख का स्कोर आया है और गीग बेंच का स्कोर जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये है वाइड वाइन एल का सपोर्ट है एल का सपोर्ट नहीं है दैट मीन्स अगर आप एमेजन प्राइम वगैरह या नेटफ्लिक्स में कुछ भी देखोगे तो आपको फुल एच का रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा और यह है इंटरनल स्टोरेज की स्पीड इसके अंदर ई एम का स्टोरेज दिया हुआ है विद दैट सेड लेट्स प्ले सम गेम हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलेंगे देखेंगे कैसा चलता है भाई और फिलहाल जो टेपरेचर है रूम का जैसे कि आप लोग इधर पे देख रहे हो वो 27 डिग्री सेल्सियस है फोन का टेमपेचर भी लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है पीछे के तरफ में 29 डिग्री सेल्सियस हमको मीडियम का सेटिंग मिलता है एंड हाई का फ्रेम रेट मिल जाता है सो गाइस सात आठ मिनट मैंने गेम खेला है और उसके अंदर फोन का टेम्परेचर जो है वो 37, 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है लेकिन मेरे को ऐसा कुछ ओवर हीटिंग का साइन देखने को नहीं मिला और भाई गेम प्ले काफी ज्यादा अच्छा था आई मीन जी मैंने यूज किया है तो मेरे को मालूम है भाई गेम प्ले उसका काफी ज्यादा अच्छा होता है स्पेशली ये प्राइस रेंज में तो एज एक्सपेक्टेड इसका भी गेम प्ले काफी अच्छा था थोड़ा बहुत फ्रेम लॉब्स डेफिनेटली देखने को मिला मीडियम सेटिंग में सोज ये था एक छोटा सा गेमिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल आई रियली लाइक द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दिस फोन अब मैं कैमराज की बात करूँ तो पीछे के साइड में हमको तीन कैमरा है एक 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया हुआ है यहाँ पर और उसके बाद दो मेगापिक्सल का फालतू का सेंसर है और दो मेगापिक्सल का एक और फालतू का सेंसर है फ्रंट की साइड की बात करूँ तो भाई यहाँ पर हमको आठ मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है जो ये नॉच में आता है गाइस इट हैज आई ऑटो फोकस जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे आँख के पास अब भाई ये मेन कैमरे से फोटो खींची हुई है एंड आई हैव टू से दस रुपए के हिसाब से दीज आर रियली इंप्रेसिव पिक्चर्स ओके नॉट बैड एट ऑल इंट में दिखता तो उतना मजेदार नहीं रहता प्रोसेस होने के बाद भाई बहुत सारी जो नॉइज़ वगैरह है वो रिड्यूस हो जाती है ओके okay, भाई इवन डायनेमिक रेंज काफी अच्छा लग रहा है प्रोसेस होने के बाद काफी ज्यादा लो लाइट है इवन आफ्टर दैट ओके सो so, 48 मेगापिक्सल इसका कैमरा काफी अच्छे से काम कर रहा काफी सही फोटोज लिया है ये फ्रंट फेसिंग कैमरा है 8 मेगापिक्सल का एंड आई हैव टू से फर्स्ट ऑफ ऑल वाइड बैलेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा वार्म की तरफ हो गया है तो मुझे ये वियर्ड लगा लेकिन जो क्वालिटी है भाई पिक्चर्स की वो काफी ज्यादा अच्छी है इसमें भी डायनेमिक रेंज का इशू आया देखो तो भाई अगर अच्छे से रखोगे लाइट में रहेगा तो प्रॉपर रहेगा ये पोर्ट्रेट मोड का फोटो है तो इवन जो बैकग्राउंड ब्लर वगैरह है वो भी काफी अच्छे से क्या है और इसके अंदर बहुत सारे वीडियो फीचर्स है तो वो भी आप देख लो ये टाइनेटी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो फोकसिंग वगैरह है वो काफी ज्यादा फास्ट है आई I मीन mean, जैसे आप लोग देख रहे हो लेकिन डायनेमिक रेंज पे डेफिनेटली काम करने की जरूरत है कुछ उस तरह का वीडियो बनता है ये वीडियो मैं टू रेजोल्यूशन में शूट कर रहा हूँ तो कुछ उस तरह का वीडियो बनता है, गाइज इवन फोकसिंग वगैरह भी में जैसे कि आप लोग देख रहे हो और जैसा मेरे को स्क्रीन में दिख रहा है ये वीडियो ब्यूटी मोड है बेसिकली जो स्किन है उसको थोड़ा और सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहा है सो so या गाइज ये था मेरा अनबॉक्सिंग एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस इनफिनिक्स हॉट देन एस एंड आई भाई कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइजे तो डेफिनेटली है लेकिन भाई दस हजार रुपये प्राइज है नाइनटी एच डिस्प्ले जी एटी फाइव प्रोसेसर छः हज़ार एम एच बैटरी फोर्टी एट मेगा पिक्सल का डिसेंट कैमरा और क्या चाहिए भाई मेरे को काफी ज्यादा अच्छा फोन लगा भाई मैं डेफिनेटली ये फोन को रिकमेंड कर सकता हूँ एज पर माई फर्स्ट इंप्रेशन बाकी इसका सॉफ्टवेयर तो भाई मैंने यूज़ किया है इफिनिक्स का सॉफ्टवेयर मेरे को काफी अच्छा लगता है इनफिनिक्स का सॉफ्टवेयर सो so, या गईस यही था एक छोटा सा अनबॉक्सिंग एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन और भी आया होप आपको पसंद आएगा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच वॉचिंग गईस बाय